अस्सलाम वालेकुम एसएलएस स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने वन क्लास कंप्यूटर यूनिट 4 पेज 31 एंड 32 रीड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ रिबन्स के बारे में, ठीक है? एक बार है जिसके ऊपर आपने पढ़ा था कि जो पिक्चर्स हैं उनको क्या कहते हैं, रिबन्स कहते हैं। आज हमने जो पढ़ना है वही बार पढ़नी है, ठीक है? यानी रिबन हमारे पास एक बार है, उसके ऊपर आपको दो टैब्स नज़र आएंगी और दो टैब्स कौन कौन सी होती हैं होम और व्यू के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऑन द रिबन, दीज आर टू रिबन टेप जी, ऑन द रिबन्स दीज आर टू रिबन टेप्स होम व्यू। अब ये हमारे पास कितनी रिबन टेप्स होती हैं, दो रिबन टेप्स होती हैं, कौन कौन सी, होम और व्यू। क्लिक एनी टेप ऑन द रिबन टू डिस्प्ले इट बटन्स एंड कमांड्स। क्लिक एनी टैब ऑन द रिबन टू डिस्प्ले इट्स बटन एंड कमांड्स। सबसे पहले हम होम के बारे में पढ़ेंगे। होम, दीज आर फाइव रिबन्स ग्रुप अंडर दिस रिबन टैब। क्लिपबोर्ड, शेप, इमेज, टूल्स, कलर। वन क्लास आपको ये जो बार नज़र आ रही है, ठीक है, इसमें आपको फाइव रिबन्स ग्रुप नज़र आ रही हैं, ठीक है। एक ग्रुप आपको मैं बता देती हूँ, ये देखिए होम का हमने ओपन किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास है क्लिपबोर्ड, ठीक है। फिर हमारे पास है आपको उस पेज से समझ नहीं आएगा तो इसलिए मैंने पीछे पेज टर्न किया है और आपको मैं पिछले पेज से समझाती हूँ। जैसे कि आपने पेड प्रोग्राम ओपन किया था, ठीक है, तो ये देखिए ये सबसे पहले आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, क्लिपबोर्ड नज़र आ रहा है। फिर आपको इमेजेस नज़र आ रही है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, टूल्स है मुख्तलिफ। और फिर हमारे पास क्या है, शेप्स। और ये देखिए आपको नज़र आ रहा है कलर ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर वाजह है, यानी पहला हमारे पास है क्लिपबोर्ड, दूसरा हमारे पास है इमेज, तीसरा हमारे पास है टूल्स, चौथा हमारे पास है शेप्स और पांचवा हमारे पास है कलर्स, यानी कलर ग्रुप जी। स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आपको मैंने बार से दिखाई है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे व्यू के बारे में। व्यू, देयर आर थ्री रिबन्स ग्रुप अंडर व्यू रिबन टेप्स। अब जो हमारे पास रिबन टेप है व्यू, ठीक है, उसके तीन ग्रुप्स हैं। सबसे पहला है जूम, शो और हाइड और डिस्प्ले, ठीक है। जूम, शो और हाइड और डिस्प्ले, तो ये हमारे पास जो तीन व्यूज़ हैं, यानी तीन व्यूज़ रिबन टेप्स के अंदर है, वो हमारे पास ये है। अब हम पढ़ेंगे हाउ टू क्लोज द पेंट, पेंट को क्लोज कैसे किया जाता है, ठीक है। तो जैसे हम कोई भी विंडो क्लोज करने के लिए क्या करते हैं, क्लोज बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो इसी तरह हमारे पास पेंट का जो पेज ओपन हुआ हुआ है, ठीक है, उसमें भी हम क्या करते हैं, जो हमारा रेड बटन होता है, यानी क्रॉस का जो बटन होता है, वो क्लोज बटन होता है, तो उसके ऊपर जाकर हम राइट क्लिक करते हैं तो हमारा जो विंडो ओपन हुई होती है या जो पेज ओपन हुआ होता है वो क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो टू क्लोज द पेंट प्रोग्राम क्लिक द क्लोज बटन। क्या करना है, क्लोज पेंट प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए ये जो आपको बटन नज़र आ रहा है क्लोज का, इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये क्लोज हो जाए, ठीक है जी। वन क्लास पेज नंबर 32 पर हमारे पास है विंडो ऑफ पेंट, ठीक है। आज हमने इस विंडो ऑफ पेंट के बारे में हम जानेंगे कि इस पे क्या क्या चीज़ मौजूद होती हैं। सबसे पहले है पेंट बटन, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं पेंट बटन। नेक्स्ट नंबर 2 पे क्विक एक्सेस टूल बार, ये आपको एक नज़र आ रहा है जहाँ पर मेरा पॉइंटर पॉइंट है, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 3 पे है रिबन, ठीक है,
तो ये आपको जो चीज़ नज़र आ रही है ये सारी, ये क्या है, रिबन्स है। नेक्स्ट है ड्राइंग एरिया, तो ये जो आपको वाइट कलर का पेज नज़र आ रहा है, ठीक है, ये क्या है, ड्राइंग एरिया है, जिस पर आप पिक्चर ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की ये जो हमारी रीडिंग थी वो हुई कंप्लीट, आपने इसको अच्छे से याद करनी है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।